कानपुर देहात जिले में लॉकडाउन ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम पर हमला किया गया। रसूलाबाद में हिस्ट्री सीटरों और अपराधियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया। इसमें 3 दरोगा, 2 महिला सिपाही और 2 सिपाही बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जान जोखिम में डालकर लोगों की रक्षा करने वाले कोरोना योद्धाओं पर हमले का मामला सामने आया। लॉकडाउन ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम पर कथित हिस्ट्री सीटरों और अपराधियों ने हमला किया, जिसमें 3 दरोगा, 2 महिला सिपाही और 2 सिपाही बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। मामले पर कानपुर देहात के पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सभी पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे हुए थे। इस बीच रसूलाबाद चौराहे पर कुछ लोग बिना मास्क लगाए जा रहे थे। इन्हें पुलिस ने रोकना चाहा तो इन्होंने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। घायल पुलिसकर्मियों को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, तो वहीं कोरोना योद्धाओं पर हमले के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कानपुर देहात से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। घटना सुबह 10:30 बजे की कस्बा और थाना क्षेत्र रसूलाबाद की है। SSI कोतवाली रसूलाबाद अपनी टीम के साथ जब लॉकडाउन सुनिश्चित कराने के लिए निकले तो उन्होंने और उनकी टीम ने देखा कि 7-8 व्यक्ति अनावश्यक रूप से दुकान पर जमा है और उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जब इन लोगों को रोकथा की गई तो एक व्यक्ति के नेतृत्व में ये लोग आक्रामक हो गए और इन्होंने पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आईं। सभी पुलिसकर्मियों का मेडिकल करा लिया गया है, सभी के साधारण चोटें हैं और सभी अपने कामों पर लौट गए हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। इसमें जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है और उनकी संलिप्तता के आधार पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और वहाँ पर फिलहाल शांति है।